अच्छा खाना तो छोड़िए साहब, लेकिन अगर आपको नॉर्मल खाना भी नसीब हो रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी चीजें खाकर अपना पेट भरने को मजबूर हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मडागास्कर के लोग व्हाइट क्ले यानी कि सफेद मिट्टी से अपना पेट भरने को मजबूर हैं, साउथ सूडान के लोग जंगली घास खाकर अपना पेट भर रहे हैं, और हेती के लोगों के पास तो खाने को है ही नहीं, वो लोग मिट्टी में नमक मिलाकर उसके बिस्किट बनाकर खा रहे हैं। इसके अलावा फिलीपींस में जो मीट फेंक दिया जाता है कूड़े के अंदर, उसे इकट्ठा करके उसे धो के फिर से पकाकर गरीबों को खिलाया जा रहा है। इसीलिए खाना फेंकने से पहले 100 बार सोचिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। गाइस, सदगुरु ने मार्च महीने में 100 दिन 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा जर्नी टू सेव सोइल की शुरुआत की थी। पिछले 50 दिन में सदगुरु ने यूरोप के अधिकांश हिस्से, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों के साथ साथ मध्य पूर्व के हिस्से की भी यात्रा की, और अब भारत भ्रमण पर है। दरअसल 52% कृषि योग्य भूमि पहले से ही खराब हो चुकी है, इसीलिए सेव सोइल मुहिम बहुत जरूरी है, और सदगुरु को अपनी यात्रा के दौरान प्रत्येक देश के राजनेताओं, मिट्टी के विशेषज्ञों और नागरिकों का सपोर्ट मिला है। उनके इस मुहिम में हर जाति, धर्म, देश विदेश के लोगों ने साथ दिया है। अब तक 72 से ज्यादा देश इस सोच का समर्थन कर चुके हैं। जर्मनी के शिक्षा मंत्रालय ने तो #SaveSoil मिट्टी बचाओ अभियान में भाग लेने की घोषणा भी कर दी है। आज सही मायने में हमें इस मुहिम में आगे आना चाहिए और मिट्टी को बचाना चाहिए। गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो। #SaveSoilSaveEarth